हेलो फ्रेंड, मैं हैदर और आप देख रहे हैं शेफ मानीपुरी चैनल। आज आपके सामने लेके आए हैं डेजर्ट की रेसिपी, सूजी का हलवा। आज हम बताएंगे आप अपने घर, होटल, रेस्टोरेंट में सूजी का हलवा कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है बिना स्किप किए। चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है एक पैन, उसमें हमने डाल देना है सूजी। हमने 200 ग्राम सूजी ली है। आपने पहले इसको पैन में डाल के इसको अच्छे से भूंज लेना है, मीडियम फ्लेम में गैस को कर देना है। उसके बाद अच्छे से इसको चला लेना है। आप देख सकते हैं हम कैसे चला रहे हैं, आपने ऐसे ही चला लेना है, ज़्यादा आपको गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है। आप देख सकते हैं हम कैसे चला रहे हैं, आपने तब तक चलाना जब तक सूजी में खुशबू ना आ जाए। आप जब चलाते रहेंगे तो आपको महक आ जाएगी सूजी की। अब हमारी सूजी होगी जिसको हमने निकाल लिया। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं, ऑयली ऑयल। आप इसमें देसी घी डाल के, डालडा घी डाल के भी बना सकते हैं। हमने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयली ऑयल। अब साथ में इसमें हम ऐड करेंगे 5 से 6 ग्रीन इलायची, जिसको हमने कूट के रखा हुआ था। ग्रीन इलायची डाल देंगे, ग्रीन इलायची थोड़ा सा हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे दूध। 1 लीटर हम दूध ऐड कर रहे हैं। आप इसमें पनीर से भी डाल के बना सकते हैं। 1 लीटर दूध डालने के बाद आपने इसको अच्छे से चला लेना है, तब तक बॉयल, जब तक बॉयल ना आ जाए तब तक आपको चलाना है। ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम में आपने अच्छे से इसको पका लेना है। जब आपका दूध में बॉयल आ जाएगा थोड़ा सा, जब पकने लगेगा दूध, तो इसमें आप नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट ऐड कर देना है। जैसे कि हम सेब ऐड कर रहे हैं, आपके पास जो चीज़ है आप उसको ऐड कर दें। जैसे काजू है, किशमिश है, आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास सेब ना हो तो। हम इसमें सेब ऐड कर रहे हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे अभी काजू। पहले इसको चला लेंगे थोड़ा सा, चलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम काजू। आप देख सकते हैं हम कैसे चला रहे हैं। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं काजू, केशव नट। करीबन हमने 50 ग्राम इसमें काजू ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। चलाने के बाद दूसरा हम इसमें इन्ग्रीडियंट ऐड करेंगे, किशमिश। इसमें हम 10 से 12 पीस किशमिश ऐड कर दिया है। किशमिश ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ नारियल, कोकोनट। हमने काट लिया था पहले से कोकोनट को, अब इसमें हम ऐड कर देंगे कोकोनट को भी। कोकोनट ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से चलाना है, पकाना है, 5 से 6 मिनट बढ़िया से पका लेना है। जैसे कि हम पका रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे हम पका रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे करीबन 150 से 200 ग्राम शुगर यानी चीनी। आप अपने स्वीट के किस हिसाब से स्वीट खाते हैं उसके अकॉर्डिंग चेक करके आप डाल सकते हैं। अब साथ में इसमें हम डाल रहे हैं फूड कलर थोड़ा सा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं फूड कलर को। हम इसको थोड़ा सा डाल रहे हैं, इससे बहुत ही बढ़िया सूजी के हलवे में कलर आता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर खुशबू के लिए, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। आप इसको ज़रूर डालें थोड़ा सा। आप देख सकते हैं हमने केवड़ा वाटर डाल दिया। अब साथ में इसमें हम रोज़ वाटर 2 पिंच डाल देंगे। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से चला लेना है। आप देख सकते हैं हमारा बढ़िया से बॉयल आ रहा है, कितना बढ़िया दूध एकदम खोलने लगा है। जब हमारा दूध अच्छे से खोल जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे हम सूजी। अभी नहीं ऐड करेंगे, आपने अच्छे से इसको पका लेना है पहले। अब इसमें हम ऐड करेंगे सूजी। आपने एक साथ नहीं डालना है सूजी को, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो इसमें लम बन जाएगा यानी गुलटी की तरह हो जाएगा। आपने थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से चलाना है, जैसा कि हम चला रहे हैं। आप देख सकते हैं ये स्टेप पे तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, एक साथ नहीं डालना है। आपने सूजी थोड़ा थोड़ा डाल के कंटिन्यू चलाते रहना, आपने रोकना नहीं है। आप देख सकते हैं हम चला रहे हैं और हमारा गाढ़ापन होने लगा है सूजी के हलवे में। देखिए आप, गाढ़ापन आने लगा है। आपने अच्छे से इसको भुनाई करना है। आप देख सकते हैं कैसे कि हम भून रहे हैं, आपने ऐसे ही बढ़िया से इसको भूंज लेना है। कंटिन्यू आपको चलाते रहना है, अपने आप ये गाढ़ा होता रहेगा। और आपको फ्लेम को हाई नहीं रखना है, अब फ्लेम को एकदम लो रख देना है, लो करके ही आपको भूनना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है बिल्कुल भी। आप इसको भूनते रहें, तब तक भूनना जब तक आपका हलवा अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, टाइट ना हो जाए थोड़ा। आपने इसे भूनते रहना। आपको गीला पसंद है तो आप गीला पे भी निकाल सकते हैं, बट आपने हलवे को अच्छे से पका लेना है। जब आप अच्छे से भून लेंगे तो इसमें खुशबू आ जाएगी, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं हमारा हलवा कितना बढ़िया भुन चुका है, बहुत ही बढ़िया, कितना बढ़िया कलर आ चुका है हलवे में। लगभग हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, बस इतने पर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
हमने एक प्लेट में इसको निकाल लिया। थोड़ा सा इसमें हम गार्निश कर देंगे, नारियल यानी कोकोनट, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हम ऊपर से डाल देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।